आप में से देसी गाय माता किन किन के घर पे है एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कुछ गिनती के लोग हैं नीचे कर लीजिए जिनके घर में देसी गाय माता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जिनके नहीं है वो भी ध्यान से सुनना। गाय माता जी का जो प्रसव होता है, गाय माता जी जब ब्याहने वाली हो तो उन प्रसवरत गाय माता जी की, प्रसव मुखी गाय माता जी की, उभय मुखी गौ माता की, आसव प्रसन्ना गौ माता की, अब इन सबका मतलब क्या होता है, ब्याती हुई गाय माता की, यानी कि जिनका आधा बच्चा पेट के अंदर है और आधा बच्चा पेट के बाहर है, ऐसी स्थिति में अगर कोई गाय माता जी की सात परिक्रमा कर ले तो उस इंसान को सारे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल घर बैठे ही मिल जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता उसको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र में इसका प्रमाण है। कहते हैं मेरे भाई बहनों कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी माता अहिल्या का विवाह करवाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी, एक शर्त रखी, कहा कि जो भी सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी अहिल्या का विवाह कराऊंगा। अब सारे देवता चल पड़े अपने अपने वाहन लेकर के, लेकिन गौतम ऋषि उस समय नहीं गए, क्योंकि गौतम ऋषि मेरे भाई बहन उस समय ज्ञान का प्रखर प्रकाश पुंज थे। जितना ज्ञान गौतम ऋषि में था उतना ज्ञान उस समय और किसी में नहीं था। गौतम ऋषि पास में ही एक आश्रम में गए, उस आश्रम में बहुत सारी गौ माताएं थी, और पहले मेरे भाई बहनों आश्रमों में गौ माताएं हुआ ही करती थी। संतों के पद का अनुमान भी गाय माता की संख्या पर लगाया जाता था। जिस संत के पास जितनी अधिक गौ माताएं हुआ करती थी वो संत उतने ही बड़े माने जाते थे। आजकल की तरह नहीं कि जितने बड़ा आश्रम है उतने बड़े महाराज जी हैं, जितनी बड़ी गाड़ी है, अगर महाराज जी के पास BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं तो महाराज जी बड़े हैं, ऐसा नहीं था। अगर महात्मा जी के पास गौ माताएं बहुत अधिक हैं तो उनका पद भी बड़ा माना जाता था। तो मेरे भाई बहनों उस आश्रम में बहुत सारी गौ माताएं थी, रोज कोई ना कोई गाय माता ब्याहते रहते थे। उस दिन भी एक गाय माता ब्याह रहे थे, तुरंत ब्याहते हुए गैया मैया की सात परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के सामने आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ गौतम ऋषि, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे, आप मेरी बेटी से विवाह करना नहीं चाहते क्या? कहा ब्रह्मा जी मैं सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया। कहा झूठ मत बोलो गौतम ऋषि, अभी तो इधर खड़े थे, इतने में कहां जाकर के आ गए? कहा ब्रह्मा जी आपने ही बुद्धिमानों को बुद्धि देकर के शास्त्रों में ग्रंथों में कहलाया है कि प्रसव मुखी गाय माता जी की अगर कोई व्यक्ति सात परिक्रमा कर ले तो सारे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल उस इंसान को घर बैठे मिल जाता है। अब मैंने परिक्रमा कर ली, आगे फैसला आपके हाथ। ब्रह्मा जी को यह तथ्य समझना पड़ा और मेरे भाई बहनों इस तथ्य को मानते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी माता अहिल्या का विवाह उसी दिन गौतम ऋषि के साथ करवा दिया। तो आपके घर में भी जब गैया मैया हो, अगर वो ब्याह रहे हो, उसी समय आप गैया मैया की सात परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो हम जीते जी कभी सारे तीर्थों की सात परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर घर बैठे इसका पुण्य मिल रहा है तो लाभ उठा लेना चाहिए। कभी मार्ग में भी जा रहे हो, कोई गाय माता जी ब्याहते हुए दिख जाए, गाड़ी रोक कर ही सही, लेकिन गैया मैया की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तो संयोगिता ने मेरे भाई बहनों गाय माता जी की सात परिक्रमा की और उसके बाद गैया मैया जी ब्याह गए। ब्याहने के बाद एक सुंदर सी बछिया का जन्म हुआ। जैसे ही बछिया का जन्म हुआ गैया मैया ने उसको चाट चाट के, चाट चाट करके 10 मिनट में खड़ा कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा गाय माता जी जब ब्याह जाते हैं ना 10-15 मिनट में चाट चुटा करके बछड़े बछिया को खड़ा करके और चलने लायक बना देते हैं। इसीलिए जंगल में गैया मैया ब्याह जावे तो कोई तनाव नहीं आता है, गैया मैया चाट चटा करके वो बछड़े बछिया को भी अपने साथ ले आएगी, आगे आगे गैया मैया चलेगी, पीछे पीछे ठुमक ठुमक करके वो बछड़ा बछिया भी घर पर आ जाएगा। लेकिन अगर भैंस जंगल में ब्याह गई तो भैंस का जो भेला होता है, भेला जानते हो, गाय माता जी का ग्वाला होता है वैसे भैंस का भेला होता है, तो वह भैंस का भेला पाड़े को लेकर आगे आगे चलेगा, तब जाकर वो भैंस पीछे पीछे घर पे आने का नाम लेगी, उसमें इतनी अक्ल ही नहीं होती। लेकिन मेरे भाई बहनों गाय माता जी चाट चटा करके 10-15 मिनट में अपने बछड़े बछिया को खड़ा कर देती है, उसको चलने लायक बना देती है। तो गैया मैया ने बछिया को चाट चटा कर 10 मिनट में खड़ा कर दिया। अब उस बछिया ने दूध नहीं पिया और सबसे पहले गोबर किया। ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपके घर में गौशाला में कोई गाय माता जी ब्याह जावे, बछड़ा बछिया होता है, और वो बछड़ा बछिया जो प्रथम गोबर करते हैं वो लाखों की वस्तु होती है। हमें उसका महत्व पता नहीं है इसलिए उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों वो लाखों की वस्तु है। करना क्या है, जो बछड़ा बछिया पहली बार गोबर करते हैं उस गोबर को आप छाया में सुखा दो, धूप नहीं दिखानी, छाया में सुखा दो। जब सूख जावे, कंडा छाना बन जावे, तो उसको हाथ से कूट करके चूर्ण बना देवे, जलाना नहीं है, सीधा चूर्ण बना देवे। और फिर जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, फिट्स के अटैक आते हैं, जिस व्यक्ति को जब भी मिर्गी का दौरा आया, अब वो तो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, उसको तो कुछ सूद नहीं रहेगी, लेकिन परिवार वाले उस समय ध्यान दे करके एक एक चुटकी चूर्ण दोनों नाक में थोड़ा थोड़ा डालकर किसी स्ट्रो से या फिर पतले पाइप से फूंक दे दे, फिर दोबारा जब दौरा आया फिर नाक में चूर्ण डाल दे। 3-4 बार अगर नाक में चूर्ण डाल करके और किसी स्ट्रो से या पाइप से किसी नली से फूंक मार दिया, अब भविष्य में कभी मिर्गी के दौरे आएंगे नहीं, मिर्गी की बीमारी जड़ सहित खत्म हो जाएगी। और न सिर्फ मिर्गी की बीमारी में, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अगर उनके नाक में ये चूर्ण डाला जाए तो धीरे धीरे पागल लोग भी ठीक होने लग जाते हैं। मेरे भाई बहनों इतना चमत्कारिक होता है वो प्रथम गोबर। ज्ञान नहीं है इसलिए फेंक देते हैं। बहुत सारी बातें ये सारी शास्त्रों में लिखी है, कई शास्त्रों से इतर में आपको कुछ भी नहीं बता रही हूं, सारी बातें मेरे भाई बहनों पुराणों में, अग्नि पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और वराह पुराण में सारी बातें ये लिखी हुई है, लेकिन लालच के चलते, लोभ के चलते इन सारी बातों को दबा दिया गया। लेकिन हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने समस्त शास्त्रों का पुनः अध्ययन करके और इन पुनः सारी बातों का उजागर किया है, ताकि लोग इनको समझ करके और उपयोग में ला सके, गाय माता जी की महिमा को हम